हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम डिफरेंट साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट पोजीशन के रिलेटेड जो कि सीसीएमबी में रिलीज़ की गई है और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब ट्रेलर तो आप मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपके बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो उनके वीडियोज़ को रेगुलरली बनाता रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप वहाँ पे जॉब सेलेक्ट नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है ये सीसीएमबी जो कि सीएसआई का इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे सेंटर फॉर सेलर मॉलिकुलर बायोलॉजी में जैसे ही आप जो है यहाँ पे ccme.res.in डालेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप कैरियर्स पे जाके जो है इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर पोजीशन निकाली गई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे साइंटिस्ट की वन पोस्ट है ओबीसी में और जो आपको एटोटाइम मॉलूमेंट दिया गया है वो 1,18,645 और जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। सीनियर साइंटिस्ट का भी वन है, पे मैट्रिक्स लेवल 12, 1,36,516 टोटल अमाउलूमेंट और 37 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है। और प्रिंसिपल साइंटिस्ट की वन पोजीशन है, पे मैट्रिक्स लेवल 13 और यहाँ पे जो है 2,07,839 रुपीज़ का आपका एमोलमेंट किया जाएगा और 45 ईयर जो है आपकी अपर एज लिमिट है। तो अगर बात करें डेट ऑफ कमेंसमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अगस्त को स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की भी 14 सितंबर 2022 है और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की वो 21 सितंबर है। तो देखिए, आप यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट कुछ इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डेट बता दी है कि डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 22 अगस्त 2022 है और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 14 सितंबर है और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन 21 सितंबर है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोजीशन मेंशन कर रखी है, साथ ही साथ पे मैट्रिक लेवल भी मेंशन कर रखा है, टोटल एमोलूमेंट्स मेंशन कर रखा है और यहाँ पे अपर एज लिमिट भी जो है मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देख सकती है आपको एग्जैक्टली जो है नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है और साथ ही साथ यहाँ पे सेंस ऑफ क्वालिफिकेशन की बात करें तो सपोज साइंटिस्ट के लिए अगर आप पोस्ट लाइक अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट कोड M01 के लिए तो ये जो 1 ओबीसी में अब जो है वैकेंसी लाइक 1 जो सीट्स है वो ओबीसी में, पीडब्ल्यू BDVH में बैकलॉग वैकेंसी और यहाँ पर अगर आपने अपना थीसिस सबमिट कर रखा है तब भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपका रहेगा इन द एरिया ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स सच एज जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस, बिग डाटा एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, आर पैकेज, ETC। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको यहाँ पे जो है लाइक द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज रिसर्च फैसिलिटी, एसिस रिसर्च ग्रुप एंड ट्रेन रिसर्च स्टूडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव ऑपरेशन। ऐसे यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है और आपको क्या जॉब करना है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे क्या क्या जो है बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ तो आपको 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 DNS अलाउनेस यानी DA, आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब दिया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम जो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रेवल कंसेस ये सारा भी आप यहाँ पे अपना जो है रिइम्बर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो आपको कुछ और लाइक भी प्रेफरेंस दिए जाएंगे जैसे अगर आपका जो एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन में तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको हार्ड कॉपी जो इस एप्लीकेशन की है वो आपको जो है अटैच करना है अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ या जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपके हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या आपने जो पेमेंट लाइक किया है एप्लीकेशन फॉर्म का उसका रिसिप्ट जो है ये सब आपको जो है वो सेंड कर देना है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको जो है सेंड करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके अलावा अगर आप किसी आप लाइक जो है किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उसका जो है लाइक आपका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तब तो भी आप उस कैटेगरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर 5 ईयर फॉर रेगुलर एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द CSIR लेबोरेटरी। इसके अलावा SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है वो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है,
इसके अलावा कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.ccmb.res.in पर जाके जो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो 14 सितंबर 2022 है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दो मैंने आपके साथ मैंसन कर लिए हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया तो यहाँ पे आपको जो है अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और आपको सेंड करना है एप्लीकेशन, और आपको अपने एनवेलप पे मैंसन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है, आपको पोस्ट कोड भी लिखना है, ठीक है। और आपको जो है वो सेंड करना है सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट CSIR CCMB उपल रोड हबसीगुड़ा हैदराबाद 500007 तेलंगाना। और जो लास्ट डेट है रिसीव करने की हार्ड कॉपी वो है 21 सितंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जो चीज़ है वो आपको बता दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पे अटैच क्या करना है, आपको अपना प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप किया है आपने उसको आपको अटैच करना है, साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट आपका एप्लीकेशन फ़ी का अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ आपका 10th सर्टिफिकेट या लाइक मार्कशीट को आपको अटैच करना है जो कि रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसके अलावा आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट का भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। इसके अलावा आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको अटैच करना है। इसके अलावा आपको सेल्फ अटैच कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको अटैच करना है। और साथ ही साथ आपके अगर पब्लिकेशन से कोई चाहे वो रिसर्च पेपर हो या पेटेंट्स हो तो वो भी आपको जो है यहाँ पे अटैच करना है और सेंड कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट लाइक कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।